मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ डॉक्टर राजीव वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन IIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग. व्हाट इज दैट क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, बहुत बातें होती हैं कि क्या है ये क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग. तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आज बात करते हैं. जो लोगों ने वो अपना रखा ना क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक, फॉर एग्जांपल क्लाउड क्या है, हम एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं. अगर आपको यहाँ से कहीं डेस्टिनेशन से, मैं कहता हूँ ग्रेटर नोएडा के परी चौक से आपको नोएडा तक जाना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज में बस में बैठेंगे, टिकट लेंगे और ग्रेटर नोएडा चले जाएंगे. ठीक, और उतने काम करने के लिए आपको मात्र 25 से 50 रुपए तक मैक्सिमम देने पड़ेंगे और आप यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएंगे. इस काम के लिए आपको बस नहीं खरीदनी है, क्योंकि बस तो और भी नहीं खरीद रखी, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको. आपने वहाँ से टिकट लिया और वहाँ पर चले, आपको बस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम अब आते हैं सिस्टम पे, कंप्यूटर पे आते हैं हमारा, कि हमारा क्लाउड किस बेस पे काम करता है. जब हमें कोई अपना एक लैपटॉप खरीदना होता है पर्सनल, तो हम उस पर क्या देखते हैं कि बेटा हार्ड डिस्क कितनी है, हमारे डिवाइसेस कौन कौन सी लगी हुई हैं. ठीक, अब डिवाइसेस की पहले कैपेसिटी कम हुआ करती थी, तो ज़्यादा करने के लिए अब तो टेराबाइट में आ गई, जीबी में आ गई है, तो कई सारी डिवाइस में बढ़ गई हैं. लेकिन अगर अब हमें डिवाइस तक की बात सीमित नहीं रह गई है. अगर डिवाइस ही आपने बढ़ानी थी, हार्ड डिस्क बढ़ानी थी, तो हम हार्ड डिस्क को ले लिया करते थे, बढ़ा लिया करते थे सिस्टम पे, और हमारे अपने से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए थे वो हम उस पर इंस्टॉल करके और अपना काम चला लिया करते. लेकिन अगर हमें ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए, हमें डिवाइस ज़्यादा चाहिए, हमारे अटेंडम सॉफ्टवेयर अगर डेवलप हमारे हो रहे हैं, हम अलग अलग हम सॉफ्टवेयर पे काम करना है मुझे, तो हमें उनको बढ़ाने के लिए अब हमें हार्डवेयर की जगह अब हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए, डिवाइसेस भी चाहिए, है ना, सॉफ्टवेयर बैंडविड्थ भी चाहिए, नेटवर्क चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें अब. अगर और वो हमें खरीदना ना पड़े, हमें अपने काम ना चलाना पड़े, तो इसलिए हम उस डाटा का अब हमें कोई प्रोवाइडर होगा वो हमें देगा. अगर हमें ये चीज़ें शेयरिंग में सारी मिल जाएं, तो हमें क्या होगा, हमें वो सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए ना बेटा. इसलिए हम फिर एक क्लाउड तैयार करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो हमारे IT से रिलेटेड होता है, जिसमें बहुत सारी हार्ड डिस्क होंगी, बहुत सारी बैंडविड्थ एक बंदे के पास होगी, एप्लीकेशन होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, वो एक जगह रखेगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हमारे यूजर्स को ढूंढेगा कि भैया आपको ये सुविधाएं चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो, और उसके मिनिमम पैसे आपको पे करना है. अब आपको हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, बैंडविड्थ जो भी चाहिए वो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा. अब क्लाउड की डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब होता है क्लाउड का? क्लाउड एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जगह रखकर सेंट्रलाइज करके एक बड़ा सिस्टम बना दिया गया है. क्लियर? और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है, उसमें हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं. नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, ये है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन. क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए वर्चुअलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यूज टू क्रिएट, कॉन्फिगर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन वाया एन इंटरनेट कनेक्शन. एक हमें सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उसकी हेल्प से हम जो चाहें एप्लीकेशन अपनी उस पर क्लाउड पे बना सकते हैं, वहीं डिप्लॉय रन कर सकते हैं, वहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वहीं हम डिप्लॉय कर सकते हैं. क्लियर? तो ये हम क्लाउड पे वर्क करते हैं. बेसिकली एक चैन है IT इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डिवाइसेस का, या हम कह सकते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज का, जिसके पास बहुत सारी अनगिनत रिसोर्सेज हैं, जिसको हम मेंटेन नहीं करते, जिसको वही मेंटेन करेगा जो ये रिसोर्सेज लगाएगा, और लगाने के साथ साथ उनका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, हमारी नहीं होगी. हमें तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें तो अपना काम करना है, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज लेना है क्लाउड से, और क्लाउड हमें वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा और हम उस पर अपना काम करके और मिनिमम पैसे दे के हम बाहर आ सकते हैं. मतलब एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, एक कंपनी टाइप की है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है
जो आप बहुत सारा वो क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर होगा ना, वो बहुत सारा खर्चा करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगाएगा। वो क्या क्या लगाएगा, एक सेंट्रलाइज डिवाइस बनाने के लिए बहुत सारी हार्ड डिस्क लगाएगा, बैंडविड्थ उसको बहुत सारी लेनी पड़ेगी, उसमें सिक्योरिटी का भी ऑप्शन रखेगा कि वो जो आप काम उस पर करेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए वो कोई ना कोई आपको आईडी या कोई भी चीज़ें ऐसी लगाएगा जिससे आपका डाटा जो आप वर्क कर रहे हैं उसके वो कहीं चोर ना हो। क्लियर? उसमें इंटेल का एक प्रोसेसर लगाएगा हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला, जिसका वर्णन आपको नहीं लेना है। मतलब पूरा एक डाटा सेंटर बना के रेडी करके रख देगा। उस डाटा सेंटर में बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी और वो कस्टमर्स के लिए ओपन हो जाएंगी, जिससे वो फिर कहेगा कि आप मिनिमम एक हमें अमाउंट दे के आप हमारे इस रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हम क्लाउड पे हमारी वर्किंग चलती रहती है ना। तो इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने का मतलब मान लेते हैं कि यूज मेरी डाटा मीन्स फाइल बहुत सारी हैं, मुझे कोई प्रोटेक्शन चाहिए, उसमें कोई फिजिकल डिवाइस में रखूंगा और हमें फिजिकली खरीदना पड़ेगा, वो हमें कुछ नहीं खरीदना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, आपको ना डिवाइस खरीदनी है, ना कोई सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, ना डाटा लॉस की रिक्वायरमेंट है आपको, जरूरत आपको टेंशन लेनी है। ये सारी फैसिलिटीज जब फोन देगा हमें, क्लाउड देगा, और हमें सिर्फ एक क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिससे हम क्लाउड से जुड़ पाए। वो सारी जिम्मेदारी सारी अब क्लाउड की है। क्लियर? और उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, प्रोसेसिंग पावर का खर्चा, रिसोर्सेज का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, वो सब जिम्मेदारी हमारी अब नहीं है। वो सारी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा, क्लाउड प्रोवाइडर, जो ये हमें सारी फैसिलिटीज देगा। क्लियर? तो ये सब जिम्मेदारी एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं हम। अब हम अगर बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सिंपल सी, और हम किस तरीके से बोल सकते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन बोली थी, इन्होंने कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल ऑफ इनेबलिंग अबिपिट्स एनवायरमेंट्स ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू ए शेयर पूल ऑफ कॉन्फिगर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल नेटवर्क सर्वर स्टोरेज एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट कैन बी रैपिडली प्रोवाइडेड एंड रिलीज विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट्स और सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन। तो ये हमारी जो मिनिमम सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशंस के थ्रू हम क्लाउड से जुड़ जाते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारी क्लाउड पे रहती है। हम चाहे स्मार्टफोन हो मेरे पास, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब हम बात करें कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, हम क्लाउड कंप्यूटिंग को सिंपल वे में और क्या कह सकते हैं, कितना वर्क कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो हम उसके लिए बोलते हैं व्हाट द मीन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, द टर्म्स ऑफ, जो हमने भी डेफिनेशन बताई थी NIT की, वो तो ये लिखी हुई है, द नेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हमने आपसे बोला था अबिक्विट्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम, यहाँ पर लिखा ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स ऑफ द एनेबलिंग द अबिक्विट्स। अबिक्विट्स का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसको हम जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे एक्सेस हम कर सकें, कहीं से भी। हमारे पास सिर्फ एक कनेक्शन होना चाहिए, एक नेट कनेक्शन, और हमें फैसिलिटीज जो हमें दे रखी हैं क्लाउड प्रोवाइडर ने, हम वो कहीं से इजीली हम एक्सेस कर पाए। क्लियर? तो हमें वर्चुअलाइजेशन में जाके हम सारे वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, हमें हमें नेटवर्क मिलेगा, सर्वर भी मिलेगा, स्टोरेज मिलेगी, डिवाइस मिलेगी और एप्लीकेशन मिलेगी, और सारी सर्विसेज का इनका यूज हम रैपिडली कर सकते हैं, इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट, हम द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ द ऑपरेशन दैट कैन बी यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग, हम कई सारे ऑपरेशंस को हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग में करते हैं। उसमें पहला है हमारा डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विस, हम इस पर वर्क कर सकते हैं, डेवलपिंग कर सकते हैं न्यू एप्लीकेशन का और सर्विस का भी हम इसका यूज कर सकते हैं किसी का भी। नेक्स्ट इसमें है स्टोरेज बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डाटा, हम स्टोरेज करते हैं अपने डाटा को, बैकअप भी रख सकते हैं इसमें हमारा मिल जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग पे, रिकवर भी अपने डाटा को हम कर सकते हैं, तो हम जो डाटा अपना वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं अगर मिसिंग हमसे हो जाए या उनसे भी हो सकता है, तो उनके तो मल्टीपल सर्वर लगे हुए हैं वहाँ क्लाउड के ऊपर, जो मल्टीपल सर्वर में जब भी हम कोई डाटा सेव करते हैं, शेयर करते हैं, सेव करते हैं अपने उस क्लाउड पे, तो हमारे मल्टीपल सर्वर पे एक एक कॉपी सेव हो जाती है, तो इसलिए हमारा डाटा आसानी से रिकवर हो सकता है।
अगर हमारी हार्ड डिस्क हमारी लगी होती, हम अपने सिस्टम पे अगर सिर्फ इसको शेयर कर रहे होते, तो देखिए हमारे सिस्टम अगर क्रैश हो जाए, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, तो हम डाटा लॉस हो जाएगा। लेकिन हम क्लाउड पे अगर वर्क कर रहे हैं तो क्लाउड पे हम डाटा को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। कितना भी डाटा हो वहाँ अपने आप ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी होती है, वो अपने आप आपका डाटा को सेटअप को स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट इसमें आप काम एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं और ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, होस्टिंग ब्लॉक्स एंड वेब। आप क्या कर सकते हैं, अपने होस्टिंग ब्लॉक्स कर सकते हैं और वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हैं जो वेबसाइट पे वर्क करेगा। उस वेबसाइट को आपने एक बार बना दी, आपने वहाँ डाल दी, वहाँ के बाद आपकी वेबसाइट को कितने लोग यूज कर रहे हैं आपको भी देखने की जरूरत नहीं। कितने लोग आपके ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर आप अगर हैं, किस चीज़ को आप देते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने लॉगिन किया, कितने लोग आपके लॉगिन करने के बाद उसमें कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे वर्क किया या काम किया, कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा या फिर रूम में घूम के चले ही गए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें क्लाउड प्रोवाइड करा देता है, हमें भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम कर सकते हैं डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। हमारे पास डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे सॉफ्टवेयर की डिलीवरी होती है, हम अपने डाटा को देख सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एनालिसिस ऑफ डाटा, हम अपने डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग वीडियो एंड ऑडियो, हम अपने अकॉर्डिंग अपने ऑडियो एंड वीडियो लिसन कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं कि जब हम चाहें हम यूज कर सकते हैं उनका ऑडियो और वीडियो का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे दिमाग में वाई क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ही क्यों, हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज क्यों करते हैं, है ना, हमें जरूरत है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों आ गया मार्केट में? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक आईटी कंपनी छोटी सी खोलते हैं, अगर आईटी कंपनी के लिए अगर हम खोलते हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे कुछ सिस्टम खरीदने ही खरीदने हैं जिनके यूजर्स हमें बिठाने हैं। उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हमें उस डाटा को स्टोर करने के लिए जो वर्क लोग करेंगे उनका रोज़ का वर्क, रोज़ का काम, जो भी डाटा है, जो भी एक फॉर एग्जाम्पल आपका एक सर्वर रूम टाइप का बनाना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन को देखने के लिए उनकी मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियन रखने पड़ेंगे, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रखना पड़ेगा, टेक्नीशियन रखने पड़ेंगे जिसको रोज वो आके देखें, चेक करें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको वो ठीक करें, मेंटेन करें, है ना। तो ये सब चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमें ये पैसा बचाना है तो हम क्या करेंगे, क्लाउड का यूज करेंगे। ये सारी फैसिलिटी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, जितनी भी आपको स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए हो, वो डिवाइसेस कितने भी डाटा चाहिए हो, वो क्लाउड आपको प्रोवाइड करवा सकता है। आप तो सिर्फ अपने यूजर बिठाइए और उनके काम करवा सकते हैं। तो फॉर एनी आईटी कंपनी वी नीड ए सर्वर रूम दैट इट इज द बेसिकल नीड ऑफ द आईटी कंपनी। तो ये आईटी कंपनी के लिए चाहिए, टू एस्टेब्लिश द सच ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी टू overcome all these problems and to reduce the IT infrastructure cost, cloud computing comes into expense। ये सबसे क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया तो ये प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो गई और हमारा पैसा बच गया। नेक्स्ट हमारे पास अब आती है कि हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिन करेक्टरिस्टिक्स का यूज करके हम आगे बढ़ते हैं, और उन करेक्टरिस्टिक्स का यूज हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं। फाइव एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हमारे आगे लिखे हुए हैं कि हम क्लाउड की क्या क्या फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो हमारी अपनी क्लाउड की फैसिलिटीज, क्लाउड के बारे में आपको पता लग गया होगा कि क्लाउड क्या है, क्लाउड क्या है आपको पता लग चुका है। क्लाउड क्या है बेटा, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टाइप का है जिसको हम यूज करते हैं, और उस सिस्टम का यूज करके हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को, और उसका यूज करके हम अपने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके, ये क्या है क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, जो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह इकट्ठा रख के सेंट्रलाइज करके एक बड़ा सिस्टम बना दिया जाता है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सभी लोग यूज कर सकते हैं जो यूजर्स हैं। तो हमें ये चाहिए तो आप भी ले लो, और कई सारे यूजर्स मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी से वो टाई अप करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, कितने भी लोग बैठ सकते हैं, कितने ही लोग उसमें क्लाउड पे बैठ के काम करवा कर सकते हैं, और वहीं पे अपने सारी प्रोसेस करके वहीं डिप्लॉय करके और अपना आप बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हमारा क्लाउड हो गया। अब क्लाउड पे हमारे पास कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्लाउड की फैसिलिटीज का यूज करते हैं।
हमारा सबसे पहले है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज में क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग एम्पावर द कंज्यूमर टू अनमिटेडली प्रोवाइड द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी लाइक सर्वर टाइम एंड नेटवर्क स्टोरेज विद नो नीड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इसमें आप अपने ऑन डिमांड सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, आप जहां चाहें वहीं पे भी हम अपनी क्लाउड का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कहीं ऑफिस से बाहर बैठा हुआ हूं और मेरा डाटा तो क्लाउड में पड़ा हुआ है, मैं कैसे यूज करूं? आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, अगर आपका स्मार्टफोन है तो आप अपने नेट से जुड़े हुए हैं, आप अपने डाटा को वहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑन डिमांड सर्विसेज है, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लाउड को इजीली यूज कर सकते हैं, आपका डाटा जहां रखा हुआ है आप इजीली उसे कनेक्टेड हो सकते हैं और अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला एक करैक्टरिस्टिक्स यही था कि हम जब चाहें जहां भी चाहें हम अपने ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, सर्विसेज यूज हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्या है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग द इंटरनेट अलाउ एनी थिन और थिक क्लाइंट सच एज लैपटॉप और ए मोबाइल फोन टू एक्सेस कैपेबिलिटी थ्रू स्टैंडर्ड मैकेनिज्म। आप अपने किसी भी डिवाइस से क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, वो चाहे क्लाउड आपके पास लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे आपके पास मोबाइल फोन हो, क्लियर, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी चाहें जिधर भी चाहें अपने क्लाउड का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट द हेल्प ऑफ एनी डिवाइसेस। तो इसलिए ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस की हमें जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम आज ये वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग में क्या होगा बेटा, इन द क्लाउड एनवायरनमेंट द प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर पूल्ड द सर्व मल्टीपल कंज्यूमर्स थ्रू द मल्टीटेनेंट मॉडल विद डिफरेंट रिसोर्सेज बीइंग असाइंड एंड रीअसाइंड ऑन ए रियल टाइम बेसिस अकॉर्डिंगली टू कस्टमर डिमांड। द यूजर लॉसेस कंट्रोल ओवर द लोकेशन ऑफ द डाटा बट मे बी एबल टू स्पेसिफाई ए हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसमें जो रिसोर्स पूलिंग की बात चल रही है, रिसोर्स पूलिंग में क्या है कि बहुत सारे जो कई सारे कस्टमर्स हैं वो कई सारे कस्टमर्स एक साथ काम कर सकते हैं, मल्टीपूलिंग में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको सर्विस प्रोवाइडर, मैं आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अगर मेरे से कोई जुड़ा हुआ है तो वो सिर्फ मेरे से जुड़ा हुआ है, वो कई सारे मल्टीपल कस्टमर से जुड़ा हुआ होगा एज ए टेनेंट। मतलब जिसने किराएदार नहीं होता है बेटा, तो किराएदार क्या करता है, आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई और इन आपने 10 माले की बिल्डिंग बनाई या 50 माले की, 500 माले, आपने 500 परिवार एक एक बिल्डिंग में रह सकते हैं, आपने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और उसमें क्या किया आपने, भैया हमने सारी सुविधाएं आपको आपके अपने फ्लैट में दे रखी हैं, आप अपनी सुविधाओं का यूज करिए, जो फैसिलिटीज आपको चाहिए वो मैंने आपके अपने इसी फ्लोर पर आपके फ्लोर पर दे रखी हैं, आपके कमरे और ताला चाबी ये रही, आप महीने में मुझे इतना रुपया किराया देंगे। तो यही क्या करेंगे आप, अब आपको नहीं मालूम कि इस बिल्डिंग में कौन कौन रह रहा है, 500 लोगों में कौन कौन लोग रह रहे हैं, कहाँ रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं, आप उसका लेने लगे, आप अपने कमरे में जाएंगे, अपना ताला चाबी खोलेंगे और अपने रूम के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर जो आपको सुविधाएं दे रखी हैं उन सुविधाओं का आप प्रॉपर यूज करोगे और ताला चाबी लगा के अपने काम पे जाओगे, यही करते हो। तो इसी तरीके से क्लाउड में भी है, रिसोर्स पूलिंग है, जो भी उनके उन्होंने तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ क्लाउड वालों ने, तो क्लाउड वाले क्या करेंगे, अब मल्टीपल टेनेंट दे रखे हैं, मतलब कि कितने भी यूजर्स वहाँ काम करेंगे, बहुत सारे यूजर्स काम करेंगे अगर, तो आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि कौन कौन यहाँ पे काम कर रहा है, कितने लोग वर्क कर रहे हैं, वो तो काम देखने क्लाउड प्रोवाइडर का है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का है, आपको तो क्या करना है, अपना काम करना है, अपना आपने आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला, आप क्लाउड जुड़ गए और आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हार्डवेयर चाहिए, जो आपको एप्लीकेशन चाहिए, जो आपको डेवलप करना है चीज़ आपने डेवलप करी, वहीं रन किया उसी सॉफ्टवेयर पे, वहीं अपना वर्क करके और वहीं अपना बैंडअप करके आप अपना काम वहीं डिक्लेयर कर देते हो, स्टोर कर देते हो। तो इसी तरीके से हम क्लाउड पे भी वर्क करते हैं, ये रिसोर्स पूलिंग है।
और जो कस्टमर को चाहिए, जो आपको चाहिए, वो आपकी अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि उसने तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है बेटा, उसे मालूम है कि हमें एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 10 जो भी कस्टमर मिलेगा वो हमारे वापस हमसे ना जाए, उसको जो रिसोर्स चाहिए हाँ अवेलेबल है मेरे पास, जो सोफ्टवेयर चाहिए हाँ अवेलेबल है मेरे पास, तो उतना तो इसी बात पैसा खर्च कर रखा हुआ है क्लाउड पर सर्विस प्रोवाइडर ने, तो इसलिए हमारा रिसोर्स पूलिंग भी है ये, इसलिए हम इसका यूज भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट, रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी में क्या होता है बेटा, कि कैपेबिलिटीज कैन बी बोथ इलास्टिकली एंड ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड एंड रिलीज टू स्केल रैपिडली विद डिमांड टू द कस्टमर, द कैपेबिलिटीज अवेलेबल फॉर द प्रोविजनिंग ऑफ्टन अपीयर टू बी अनलिमिटेड एंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड इन एनी क्वान्टिटी और एनी टाइम। आप कितनी भी क्वान्टिटी का किसी भी समय आपको रिसोर्सेज, जैसे आपने 2 GB डाटा आपने कह रखा था कि मैं 2 GB डाटा रोज यूज करूँगा, अब आपको पता लगता है कि आपने 2 GB डाटा यूज कर लिया है, अब आज आप 2 घंटे बैठे काम और करना चाहते हो, अब आपका डाटा खत्म हो गया, तो आपकी ऑटो स्केलिंग यहाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी होगी, और आपको वो जितना काम आप करेंगे, जितना वर्क करते रहेंगे, उतना काम आपको वो प्रोवाइड कराते रहेंगे, और आपके डाटा को ब्रेक नहीं करेंगे, आपका एक्सेसिबिलिटी अपने आप बढ़ा देंगे, आपका डाटा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अब आपने 3 GB करना है, 4 GB करना है, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी है, यहाँ पे जितना यूज करेंगे उतना ही आप पे करेंगे, अगर आप दिन में 1 GB यूज करते हो तो 1 GB यूज का ही पैसा लगेगा आपसे, तो आपसे 2 GB थोड़ा ना लेंगे, लेकिन आपने पहले बोल रखा था कि मुझे भाई 2 GB चाहिए, तो 2 GB तक तो वो आप फ्रीली हैंड चलाएंगे, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे को आज मैं 2 घंटे और बैठना है, तो आपने 2 घंटे और बैठे हैं आप, तो आपका डाटा केबल्ड हो जाएगा, वहाँ आपको पहले से इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग खुद ही इसके बिल्ड करता है कि अगर आप जितना वर्क करेंगे, उतनी देर बैठेंगे, उतनी देर का ही आपसे पे लगेगा, पेमेंट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, चाहे आपने कितना भी यूज़ करिए, चाहे कितना मिनिमम यूज़ करिए, तो मिनिमम यूज़ करेंगे तो मिनिमम भी आपका पैसा लगेगा। नेक्स्ट है आपका मेजर्ड सर्विसेज, ये भी इसमें भी है, क्लाउड सिस्टम ऑटोमेटिकली मोनिटर कंट्रोल ऑप्टिमाइज एंड रिपोर्ट रिसोर्सेज यूजेज, दस प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर बोथ द प्रोवाइडर एंड कस्टमर ऑफ द यूटिलाइज सर्विसेज। आपकी जो भी ट्रांसपेरेंसी है आपस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की और आपकी, दोनों की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो आपको जो आप चीज यूज करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर जितना जो सा यूज करेंगे, वो जितनी आपने बैंडविड्थ यूज करी वो, या जो भी चीज़ें आप क्लाउड की यूज करते हैं, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन डे टू डे टाइम टू टाइम देते हैं, ब्लैक एंड वाइट में सब चीज़ें आपको मिलती हैं, और आप खुद ही विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने हमारे, या हम किसी यूजर को अपने बिठा रहे हैं, तो हमारे यूजर्स ने क्या क्या चीज़ों का यूज किया, तो वो क्लाउड भी आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है और सारी चीज़ें आपको बताता है। नेक्स्ट हमारे कुछ और भी लिखे हुए हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा 5 तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बेटा ये वाले, क्योंकि उनके तो हमें बात करनी पड़ेगी, ऑन डिमांड और सेल्फ सर्विसेज, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है ब्रॉड नेटवर्क एंड एक्सेस, जिनके बारे में बात करी, रिसोर्सेज पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी एंड मेजर्ड सर्विस। उसके अलावा भी आप अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि हमारे और भी क्लाउड्स हैं, जैसे एग्लिटी। एग्लिटी क्या है, द वर्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट, इट शेयर रिसोर्सेज अमॉन्ग यूजर्स एंड वर्क वेरीफाई, यही इसमें हो रहा है, क्लियर, यही इसमें काम चल रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंप्यूटर एनवायरमेंट पे ही काम हो रहा है, क्लियर, तो हम एग्लिटी भी करते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज इज हाई एंड वो रिलायबल बिकॉज द चांसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर मिनिमम। आपकी जो अवेलेबिलिटी है एंड रिलायबिलिटी है वो बहुत मिनिमम है, फेलियर के मतलब किसी के चांसेस बहुत मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, अगर मिनिमम नहीं होंगे तो बेटा हमारे क्लाउड का यूज कौन करेगा, क्लाउड में कोई यूज ही नहीं करेगा, हम उसमें एक बार कनेक्टेड हो गए तो हमारा डाटा कंटिन्यू चलता है, क्लियर, तो ये हमारा क्या है, चांसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर आर मिनिमम, तो बहुत कम चांसेज रहते हैं फेलियर के। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाई स्केलेबिलिटी। हाई स्केलेबिलिटी ये क्या है, क्लाउड ऑफर ऑन डिमांड प्रोविजनिंग ऑफ रिसोर्सेज
ऑन ए लार्ज स्केल विदाउट हैविंग इंजीनियरिंग फॉर पीक लोड। पीक लोड पे भी आपके अकॉर्डिंग वो स्केलेबिलिटी करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने हमने कोई वर्क कर रहा है और उस पर पीक लोड आ गया तो आपके डाटा को ब्रेक कर दे, क्योंकि आप तो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। तो आपने अगर डाटा ज़्यादा सेव कर दिया तो वो कह सकता है कि नहीं जी आपका डाटा अब सेव नहीं होगा, इससे ज़्यादा आपके पास एरर आ जाएगा। ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हाई स्केलेबिलिटी लगा के रखते हैं वो कि हमारे जितने कस्टमर्स बैठे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी हैंड पे। और वो अब जब भी कोई, अगर आपने कहा कि हम 2 GB से 4 GB भी करना चाह रहे हैं, हमारा डाटा बढ़ता चला जा रहा है और हम कंटिन्यू बैठे वर्क कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी हो जाती है। तो ये जो चीज़ आपको चाहिए ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी कर देंगे और कंटिन्यू उसको करेंगे, आपको ब्रेक नहीं करेंगे, जिसमें हाई स्केलेबिलिटी भी है। नेक्स्ट इसमें हो सकता है हमारा मल्टी शेयरिंग। 4 पॉइंट्स क्या है? मल्टी शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मल्टीपल यूजर्स एंड एप्लीकेशन कैन वर्क मोर एफिशिएंटली विद कॉस्ट रिडक्शन बाय शेयरिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। यही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीपल शेयरिंग है, किसी चीज़ की आप प्रॉपर शेयरिंग कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर कोई एक यूजर वर्क कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर आपके 5 यूजर भी यूज़ कर सकते हैं, उनके पास ये तस्वीर होती है। आप किसी भी उनके डाटा से लेके सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बैंडविड्थ सभी चीज़ों से रिलेटेड आप मल्टीपल यूजर एक साथ वर्क करते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम बेस पे वर्क होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा डिवाइसेस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट। डिवाइसेस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस सिस्टम यूजिंग ए वेब ब्राउजर रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन और डिवाइसेस दे आर पीसी मोबाइल फोन एक्सेट्रा। ये चीज़ें हो सकती हैं आप किसी लोकेशन में, एज इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज ऑफ साइट। क्लियर? और मतलब टिपिकली प्रोवाइड बाय द थर्ड पार्टी एंड एक्सेस बाय द इंटरनेट यूजर्स कैन कनेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर। आप किसी भी डिवाइसेस से, हमने वही आपसे पहले ही बात करी थी जो आपके ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग में बात कर रहे थे वही, तो आप किसी भी डिवाइसेस को किसी भी लोकेशन पे कनेक्टेड कर सकते हैं। इनडिपेंडेंस आपकी पूरी रहेगी, आपके पास चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो चाहे आपके पास और भी कोई डिवाइसेज हो जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, तो वो सारे को आपकी इंडिपेंडेंसी मिलेगी मिलेगी, किसी भी लोकेशन पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 6 मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस की फैसिलिटीज क्या है? आपको मेंटेनेंस देखना ही नहीं है, अब मेंटेनेंस किसको देखना है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, जो उन्होंने फैसिलिटीज आपको दे रखी हैं वो फैसिलिटीज का मेंटेनेंस क्लाउड कंप्यूटिंग वाले ही देखेंगे। आपको बिल्कुल कुछ देखने का आवश्यकता नहीं है, आपको अपना वर्क करना है और करके बाहर आ जाना है। आपको जो मिनिमम पे आपको देना है उसकी पेमेंट आप मंथली करेंगे और अपना वर्क करेंगे। तो हम मेंटेनेंस बोल सकते हैं ना, मेंटेनेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इज इजियर सिंस दे डू नॉट नीड टू be installed on each user's computers and can be accessed from different places, so it reduces the cost also. तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, हमें मेंटेनेंस ही नहीं देना है, जो मेंटेनेंस है वो देखेंगे, अपने डाटा को वो देखेंगे, सिक्योर वो करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमारी जो मेंटेनेंस की पार्ट की प्रॉब्लम्स है वो हमारी नहीं है, ये किसकी है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हैंड में मेंटेनेंस होगा, हमारे हैंड में नहीं होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट पे क्या होगा? बाय यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज टू टेक द सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंपनीज आईटी कंपनीज नीड नॉट टू सेट इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पे एज पर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। जितनी आईटी कंपनीज हैं वो क्लाउड का यूज करके वो अपना ओन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती ही नहीं, उन्हें जरूरत ही नहीं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। जरूरत क्यों पड़ेगी? जब क्लाउड पे सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको, तो वो अपने यहाँ पे बहुत सारे हार्डवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत सारी बैंडविड्थ क्यों खरीदें? उन्हें तो क्या करना है, मिनिमम अमाउंट पे करना है और अपने जो वर्कर्स हैं उनको बिठा के उनसे जोड़ के और अपना काम करवाना स्टार्ट करवा देना है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं, पैसे लगेंगे नहीं, तो कॉस्ट लो आई
लो कॉस्ट आती है, जैसे हम कहीं गए हमें पता लगा 2 साल या 4 साल या 5 साल हमें कहीं मेरा ट्रांसफर हो गया और हम चले जाते हैं दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए हमें वहाँ अपना घर नहीं खरीदना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम बेटा क्या रेंट में ले लेंगे, हमें इंटरेस्ट खरीदने जरूरत क्या है, हम अपने पैसे इससे खर्च क्यों करेंगे। हमें लेकिन मुझे मालूम है अगर किसी सॉफ्टवेयर पर हम वर्क कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर पर हमारे पास इतना जरूरी है, हमारे को उसी सॉफ्टवेयर पर कॉमन सॉफ्टवेयर पर हमारे काम मिलते ही रहेंगे, इसलिए हम क्यों ना क्लाउड का यूज़ करें। जब तक हमारा वर्क मिला, एक प्रोजेक्ट मिला, दो प्रोजेक्ट मिले, हमने क्लाउड का यूज़ किया और क्लाउड का यूज़ करने के साथ साथ हमने उस सॉफ्टवेयर से पर्टिकुलर यूज़ किया, हमें कहीं ना जरूरत ही नहीं पड़ी और हमने अपना काम आगे चला लिया। तो इस तरीके से हमारे को कॉस्टिंग लो पड़ती है किसी आई टी इंडस्ट्रीज को, किसी आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे कम होते हैं, जितना पे करना है और जितना यूज करना है उतना पे करना है, तो इसलिए हमारी कॉस्ट ईजी आती है, कम आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सर्विस इन द पे एज पर यूज मॉडल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यह जो सर्विस है वो पे पर यूज मॉडल पे है, कि पे पर यूज मॉडल मीन्स जितना हमें यूज करना है उतना ही हमें पैसा देना है। क्लियर। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस APIs हम बोल सकते हैं आर प्रोवाइडेड टू द यूजर सो दैट दे कैन एक्सेस सर्विसेज ऑन द क्लाउड बाई यूजिंग दीज API एंड पे द चार्जेज एज पर द यूजेज ऑफ सर्विसेज, क्योंकि हम जितनी सर्विसेज का यूज करेंगे हम उतना ही हम कंटिन्यू हम उतना ही पे करेंगे। तो ये हमारे कुछ करैक्टरिस्टिक्स थे जो क्लाउड कंप्यूटिंग के थे, मैन टू फाइव एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स हमारे गिवन थे ही थे, और हमने आपको एक्स्ट्रा भी 8 पॉइंट बताए हैं जिनमें से जो याद रहे 5 याद रहेंगे रहेंगे, और क्लाउड करैक्टरिस्टिक्स और हमने एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की, तो इनको आप देख के काम कर सकते हो। क्लियर बेटे। तो हमने आज आपको बताया कि व्हाट द मीन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन क्या है, कैसे वर्क करती है क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके अपने करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्लियर। तो हम अपने आप को यहीं स्टॉप करते हैं। क्लियर। और स्टॉप करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में फिर इनके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे। ओके।